और वही क्या हाल चाल सबके है, कैसे हो सब। तो गाइस आज मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट गाइस उससे पहले जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नॉइज वगैरह आ रहा होगा तो प्लीज हो सके तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि करेंटली मैं अपने घर में नहीं हूँ। ठीक है, एनीवेज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं गेमिंग सुब्रतो लाइव के बारे में। तो आज वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट किए जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके एक सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 25 टू 50 किलोमीटर साइकिल चला के सिर्फ उनसे मिलने के लिए आया था। जी हाँ, तो आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। गाइस सीरियसली, मैं कभी सोचा भी नहीं था साइकिल चला के इतना दूर आया, मतलब सोच भी नहीं सकता। गाइस देख सकते हो, ये जो साइकिल गाइस देख सकते हो, ये साइकिल से आए हैं पूरा 150 किलोमीटर्स। भाई मैं तो भाई गाड़ी से भी जाने में डरता हूँ, बट साइकिल से आ गए। बहुत लोग आते हैं लेकिन मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मत आओ, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी काम रहता है। अभी मत आओ, मैं घर बार बना लूँगा, उसके बाद आप लोगों को आने के परमिशन मिलेगा। ठीक है तब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड बात करने वाले हैं डेमोन गेमिंग के बारे में। सो रिसेंटली वो अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किए जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसकी वजह से वो अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हो पा रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि वो एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसको कोई समझ भी नहीं सकता। सो आई होप कि उनके साथ जो भी इशू चल रहा हो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड बात करने वाले हैं एक्स मैनिया के बारे में। सो कल जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो लाइव स्ट्रीम करते वक्त ही उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए। जी हाँ, तो इस चीज पे वो रिएक्ट किए हैं। साथ ही साथ देसी गेमर यानी कि अमित भाई ने एक शर्त भी रखा था, ये बोल के कि अगर उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम करते वक्त ही हो जाते हैं तो वो अपना फेस रिवील कर देंगे। तो उसी का छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ। गाइस अब क्या बोलूँ, मेरे को थोड़ा डर लग रही है क्योंकि मैंने कभी फेस रिवील नहीं किया एंड मुझे वो शर्म आ रही है। गाइस कुछ बोल साले, हेयर मत दिखा चेहरा दिखा। गाइस थैंक यू सो मच जिसने भी 1 मिलियन लाइक किया, मेरे को शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इतना पसंद किया गाइज, और थैंक यू सो मच गाइज। ओके मैं भी चौथा बच्चा हूँ गाइज, ओपी गाइज, अभी मैं चौथा बच्चा हूँ, यू नो दैट। एंड क्या बोलूँ यार मैं। सो यस, हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू एक्स मैनिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। सो गाइस आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि उनका एक और चैनल है जिसका नाम है कैरीज लाइव। तो वहीं पे जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उनको सुपर चैट देकर ये बोलने लगे कि मेरा पबजी या फिर फ्री फायर का यूट्यूब चैनल है तो आप थोड़ा सपोर्ट या प्रमोट कर दो बोल के। वैसे तो ये चीज उनके हर एक स्ट्रीम में होता है बट कल कुछ ज्यादा ही हो रहा था। तो इस चीज पे रिएक्ट करते हैं वो कुछ ये कहे। यार ऐसे मत करो, हम कैसे किसी के 1K 2K 3K नहीं करवा सकते, उसका कोई पॉइंट नहीं है। देखो प्रमोशन का मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या होता है। पता नहीं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नहीं, पर मैं दोबारा बता देता हूँ। पर प्रमोशन में क्या होता है कि पहले अभी आ गए लोग, आ जाएंगे ठीक है, okay, अभी boss, पहुंच जाएंगे, Finn's family has a repair shop, फिर कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, उतने इन एक्टिव सब्सक्राइबर्स का तुम क्या करोगे मुझे बताओ। खुद को ही देख के खुश हो लोगे, वाओ वेरी गुड, उसका कोई पॉइंट नहीं है। देखो ऐसी झूठी दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। स्विंगिंग। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ एंड बात करने वाले हैं टू साइड गेमर के बारे में। तो गाइस आप में से जितने भी लोग मेरे लास्ट वीडियो को देखे होंगे आपको याद होगा कि मैं एक न्यूज कवर किया जिसमें मैंने बताया था कि टू साइड गेमर का चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है जिसकी वजह से उनके चैनल पे व्यूज अप टू द मार्क नहीं आ रहे। सो इसी चीज पर याद करते हुए आज अपने कम्युनिटी टैब में कुछ ये पोस्ट किए। यूट्यूब का फ्री फायर रिकमेंडेशन एल्गोरिथम भी टिकटॉक जैसा लगता है, अच्छी वीडियोस को पुश नहीं करेंगे, जो क्रिंज होगा उसमें 10 मिलियन व्यूज होंगे। बट कुछ ही देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था एंड इस चीज पे बात करते हुए अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ ये कहे। फ्री फायर क्या हुआ आज, कम्युनिटी पोस्ट डाले हो ब्रो। भाई पता नहीं गाइस, टू साइड गेमर्स गाइस इतना मेहनत कर रहे हैं, नया नया कंटेंट डाल रहे हैं, दिन में तीन तीन वीडियोस डाल रहे हैं, पर सबके व्यूज 2 लाख 3 लाख 2 लाख, मतलब गाइस वर्थ ही नहीं लग रहा, कुछ फायदा ही नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। और गाइस कोई भी टट्टी डाल रहा है कुछ भी ऐसे उठा के, उसके भाई दो दो तीन तीन मिलियन जा रहे व्यूज, अलग ही सीन है गाइस। तो वही हम थोड़ा छिड़ गए थे, पर लोग कोई दूसरे लोग कोई और वे में ले रहे थे, फिर हमने हटा दिया। तो यह पता नहीं, रिकमेंडेशन खत्म हो गई है भाई फ्री फायर की। यूट्यूब में जो फ्री फायर की रिकमेंडेशन है हमारे लिए वो खत्म हो गई है, मतलब हमारे व्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं
पर फ्री फायर कंटेंट नहीं चल रहा। बट गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि YouTube इनके प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स कर देगा। एंड टू साइड गेमर के रिगार्डिंग एक और स्टोरी है, तो आज उन्होंने अपना ऑफिशियल सॉन्ग थेज दी रिलीज कर दिया है। सो अगर आपको इनका न्यू सॉन्ग सुनना है, देन इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ। एंड हम बात करने वाले हैं एसके गेमिंग जोन के बारे में। सो रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पे इन्होंने फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के सिस्टम पे कुछ एलिगेशन लगाए एंड और भी काफी सारी चीजों पे इन्होंने बात की है अपनी वीडियो में। तो अगर आपको ये देखना है, देन इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, देन इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।